हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं मटन कलेजी मसाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीके से बनाया है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मटन कलेजी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg कलेजी और फेफड़ा, सारे मिक्स करके मैंने ले रखे हैं। और इसके पीसेस मैंने जो मीडियम साइज़ के ले रखा है, तो इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर काफ़ी अच्छे से शॉफ कर लिया है। सबसे पहले हमने लेना है कढ़ाई, उसे अच्छे से गर्म करेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे होल स्पाइसेस। इसमें मैंने लिया है लौंग, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, जावित्री, काली मिर्च और बड़े इलायची। इन सबको जो है हमने इसमें ऐड कर लेना है और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर लेंगे स्लाइस किए हुए प्याज और इसे हमने जो है फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो है प्याज जल्दी गल जाता है। तो प्याज हमारा जो है गल चुका है, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो है गल चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी। तो यहीं पे हमने जो है सारे कलेजी को ऐड कर लेना है और फ्रेंड्स इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे हमने 5 से 6 मिनट इसे भून लेना है। तो ये भून चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, जिसमें मैंने ली 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से चला लेना है और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच भरकर मटन मसाला। तो बस अब इसे हमने चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के आसपास पानी और इसे कवर करके इसे कुक कर लेंगे करीब 12 से 15 मिनट तक। तो ये देख सकते हैं 12 से 15 मिनट के बाद ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से है कुक हो चुका है। इसे वापस से लिड को हटाकर हमने इसमें ऐड कर लिया है कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता और वापस से फिर इसे चलाते हुए इसे हमने 5 मिनट और कुक कर लिया है। तो हमारा जो कलेजी मसाला है वो रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और एकदम डिफरेंट रेसिपी है और अपना फीडबैक हमें शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से एक और मजेदार और यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।